गणपति सीजन आता है, मूर्तियां बिकते हैं गणपति की, बड़े बड़े यहाँ पे ही शेरे वाली माता का मूर्ति बिकते हैं, हम वैलेंटाइन भी करते हैं, टेडी बियर त्योहार करते हैं, क्रिसमस बर्थडे करते हैं। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। इस वक्त दिल्ली में कड़कड़ाती सर्दी पड़ रही है, जीरो विजिबिलिटी है और एक गाड़ी अगली गाड़ी को देख ही नहीं पा रही है। दिल्ली में एक ऐसा परिवार है जो पिछले कई सालों से इसी तरह से सड़कों पर जिंदगी बसर कर रहे हैं। आशा जी बन क्या रहा है, एक बार ये तो देखो क्या बना रहे हैं आप? क्या बना रहे हैं आप? गोभी की सब्जी है अंकित, आई थिंक कि ये पत्ता गोभी है। अच्छा, और उसमें क्या बना, उसमें क्या है, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर चिकन है। हाँ, चिकन बता रहे हैं, चिकन करी है तो। अच्छा, बच्चे जो है वो चिकन खाएंगे। देखिए चिकन भी बना हुआ है। ये चिकन बनेगा यहाँ पर बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चे हैं। आशा जी बता दीजिए इस वक्त है कहाँ पे हम एग्जैक्टली? आ जाइए। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं झंडे वालान में, झंडे वालान मेट्रो स्टेशन के साथ में। ये राजीव चौक की तरफ जाती हुई ये सड़क है और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम लोगों की गाड़ी यहाँ पे खड़ी हुई, मेरे पीछे आप तमाम आप उस जगह से देख सकते हैं, उस कोने से लेके उस कोने तक यहाँ पे सॉफ्ट टॉयज जो हैं वो रखे गए हैं। अंकित क्या लगता है कि वैलेंटाइन डे आने वाला है? वैलेंटाइन डे आने वाला है और जो है इसलिए ये तैयारी चल रही है। कहना है इस परिवार का, लगभग 10 परिवार है यहाँ पर। आशा 10 परिवार, हाँ 10 परिवार है और ये सीजन के हिसाब से काम करते हैं। आप एक बार दिखाइए सुमित, यहाँ से लेकर वहां तक सिर्फ सॉफ्ट टॉयज दिखेंगे आपको। 10-15 परिवारों की ये रोजी है, रोजगार है। क्या कह रहे हो? मूर्ति बेचते हैं गणपति बाबा की, मूर्ति बेचते हैं गणपति में, हर सीजन में हर सीजन करते हैं हम। अच्छा। वैलेंटाइन भी करते हैं, टेडी बियर त्योहार करते हैं, क्रिसमस बर्थडे करते हैं, फिर गर्मी में टब गुब्बारा बेचते हैं, बाथ टब स्विमिंग पूल, फिर गणपति सीजन आता है, मूर्तियां बेचते हैं गणपति की, बड़े बड़े यहाँ पे ही शेरे वाली माता का ही मूर्ति बेचते हैं हम। वो तो ठीक है, लेकिन सर्दियों में आप लोग रहते कैसे अंदर भाई, सर्दी इतनी रहती? यहीं रहते मेरे भाई, क्या करे, कहाँ जाएंगे, फुटपाथ पे बैठे कहीं आते भगाने के लिए, कहाँ जाएगा, बचपन से यहाँ रह रहे हम, कोई हमको सावधान करेगी जब तो हम जाएंगे, बिना फालतू में कहेगा कोई नहीं करते, ना लेट ना बिजली ना पानी, बोर्ड यहीं भर रखे हमने, दफ्तर में ही बोर्ड दे रखे हमने, जब कोई सुनवाई नहीं करते। ताज्जुब की बात है आशा की कितनी सर्दी है इस वक्त दिल्ली में। बिल्कुल, एक छुटूटती हुई ठंड जिस तरीके से अंकित पड़ रही है। और साथ में कहना चाहूंगी कि बच्चे जो छोटे छोटे हैं, क्योंकि 35 साल से इन लोगों का, जैसे कि हमें अंदर बताया कि हमारा जन्म भी यहीं पे हुआ, इन लोगों ने बताया, ये बच्चे क्या स्कूल जाते हैं बाबा? जाते हैं बच्चे भी, जाते हैं। अच्छा, अभी तो छुट्टियां चल रही होंगी। छुट्टी चल रही, 15 दिन की छुट्टी है। अक्सर बच्चों के अंदर जो है वो एक डिमांड रहती है सॉफ्ट टॉयज को लेके, तो यहाँ पे तो बच्चे रहते ही सॉफ्ट टॉयज के बीच में है। अच्छा, बिल्कुल बच्चे सॉफ्ट टॉयज के बीच में रहते हैं। ये बताइए ये काम जो है सीजनल काम है? ये भी सीजनल काम है, कितने महीने चलता है काम? ये चलता 12 माह चलता है काम, ये सॉफ्ट टॉयज 12 माह चलते हैं। 12 माह सब चलेगा। बड़े वाला सॉफ्ट टॉय कितने का है मुझे दिखाएंगे जरा, ये कितने का ये वाला? अच्छा वो ले आओ जरा एक बार। अच्छा अंकल ये बताओ कि हम लोग जब बच्चे थे तब भी सॉफ्ट टॉयज आते थे, आज भी सॉफ्ट टॉयज आते हैं, डिमांड है या कम हो गई है? वाओ, देखिए पांडा अंकित, देखिए एक पांडा जो है वो लेके आए हैं सबसे बड़े साइज का, आई थिंक सो मेरी हाइट से कुछ ही कम होगा। तो इतने बड़े टॉयज जो है वो कौन जो है परचेज करके लेके जाएगा, मतलब एक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड के लिए? ये है कितने का, ये कितने का बनता है? ये 3000 रुपए का पड़ता है। 3000 का पड़ता है, कहाँ बनता है? कहाँ पे आपकी? ये हमें ना फैक्ट्री से लेके आते हैं, फैक्ट्री से लाते हैं। कहाँ पे है फैक्ट्री? गुड़गांव में है और यहाँ पर 100-200-500 का मार्जिन रखते हैं इतने बड़े साइज में। अच्छा। दुकान में लेने जाओ 6000 रुपए से कम नहीं मिलेगा इतना बड़ा, कम से कम। अच्छा, इतनी सर्दी है, इतना कोहरा, इतनी ठंड है, कैसे आपने तो पहना नहीं होगा इसलिए, आप कैसे है? आपके ठंड बड़ी है, इतनी ठंड नहीं पड़ती थी, आपके ठंड ज्यादा है। कोई हेल्प, किसी तरह की मदद मिलती है किसी से, कोई मदद करता है? कोई मदद नहीं करता, मदद कोई नहीं करता। कोई मदद नहीं करता है, पानी के लिए दिक्कत होती है, बाथरूम के लिए दिक्कत होती है और नहाने धोने में दिक्कत होती है, हमारे कोई सहायता नहीं करते। एक ही परिवार है, अलग अलग परिवार है? एक ही परिवार है, एक ही परिवार के भाई चाचा गुरु बाबा। कहाँ के रहने वाले हैं? राजस्थान। राजस्थान में कहाँ? जोधपुर पाली, पाली जोधपुर पाली जिला, जोधपुर पाली।
एक ऐसे परिवार से आपको मिलवाना मकसद था हमारा, जो जिंदगी भर से मतलब लगभग 20-25-30 साल से यहीं पर है, लेकिन 35 साल अपनी लाइफ के उन्होंने यहाँ पे दिए हैं। देखना ये है कि ये लोग जो है वो रोजी रोटी के लिए अंकित राजस्थान से जोधपुर से बता रहे हैं कि वहां से आए, लेकिन आने के बाद ये लोग अपना एक आशियाना नहीं बना पाए, सिर्फ सड़क के किनारे ही अपना गुजर बसर जो है करते आ रहे हैं। इनकी पीढ़ियां यहाँ पे जो है पैदा हो रही है, आगे से आगे बढ़ रही है, लेकिन सभी यही काम कर रहे हैं, यही काम कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत से लोग हैं, न सिर्फ ये झंडे वाला में लोग, ऐसे बहुत से लोग हैं जो इसी तरह से अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि हमने अक्सर देखा होगा, कई जगह पे हमने देखा होगा लोहे का काम भी करते हैं अंकित, जैसे लोहे से बनी हुई चिमटे और इस तरीके की चीजें जो है वो भी बेचते हैं। ये टॉयज वाले भी हमने देखा है, कुछ डेकोरेशन के दूसरे जो है वो सामान भी बेचते हैं। बिल्कुल, तो इन लोगों की सुध कौन लेगा? इन लोगों की सुध लेनी चाहिए सरकार को और हर किसी को आगे बढ़ के इनकी मदद करनी चाहिए। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं हमें बताइए, किस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं हमारे चैनल पर, किस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं, ये भी हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं और आपके सजेशन वेलकम है। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।